जनपद संभल के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने चंदौसी शहर के संभल तिराहे पर यातायात बूथ का लोकार्पण कर यातायात के नियमों का पालन कर दुर्घटनाओं से बचाव का रास्ता सुझाया। उन्होंने बताया कि संभल यातायात पुलिस पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रही है, जिससे जनता सुरक्षित जीवन यापन कर सके। इस अवसर पर पुलिस क्षेत्राधिकारी चंदौसी अशोक कुमार सिंह व प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र शर्मा भी पुलिस अधीक्षक के साथ उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपस्थित एनसीसी के कैडेट्स को भी पुलिस अधीक्षक महोदय ने यातायात के नियमों की जानकारी देते हुए आवश्यकता पड़ने पर यातायात व्यवस्था संभालने की जानकारी दी। साथ ही शहर के संभ्रांत व्यक्तियों व व्यापारी गणों ने भी अपना सहयोग प्रदान किया। क्षेत्र के अंतर्गत ये जो बाईपास का रोड है संभल जाने वाला, इस पर एक ट्रैफिक बूथ का उद्घाटन किया जा रहा है। ये ट्रैफिक बूथ, यहाँ पर जो ट्रैफिक व्यवस्था रहती है, हर समय यहाँ पे हैवी ट्रैफिक रहता है, भारी वाहन यहाँ से निकलते हैं, उनको सही डाइवर्जन, उनकी सही चेकिंग और उनमें किसी भी तरह की कोई आपराधिक गतिविधि ना हो, इसको ध्यान में रखने के लिए यहाँ पर ये ट्रैफिक बूथ बनाया गया है। हम लोगों की पूरी कोशिश रहती है कि जो हमारे कस्बे हैं, जो हमारे शहर हैं, यहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू चलती रहे, क्योंकि ट्रैफिक आम जनमानस को सबसे पहले अफेक्ट करने वाली एक ऐसी चीज़ होती है, जिसमें हम लोग बहुत अच्छे प्रयासों से लोगों को बहुत सहानुभूति उनको सहूलियत दे सकते हैं। और इसी क्रम में इसका उद्घाटन किया गया है। हम लोग लगातार ट्रैफिक व्यवस्था को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहेंगे। इसके लिए मैं अपनी पूरी ट्रैफिक टीम को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने ये काम यहाँ पर करवाया। पुलिस में रैंक और जो पोस्ट है वो अलग अलग कार्यों के लिए दी जाती है, लेकिन हम सभी लोग एक सिंगल एक फोर्स का एक अंग हैं। तो हमारे लिए, चाहे मैं SP हूँ या हमारे कोई कांस्टेबल हूँ, हम सभी लोग बराबर इसके पार्ट हैं। तो आज उन्होंने किया, किसी जगह पे मैं भी करूँगा और दोनों चीज़ें होती हैं। चंदौसी क्षेत्र में जहाँ तक मेरी जानकारी अभी तक हुई है, ये चंदौसी बहुत ही शांतिप्रिय जगह है। यहाँ पर व्यापारी वर्ग का काफ़ी यहाँ पर काम है इस तरह का कि आम जनमानस यहाँ पर बाहर से, गाँवों से, आसपास के इलाकों से यहाँ पर आते हैं। तो हम लोग की पूरी उम्मीद रहेगी कि यहाँ पर शांति व्यवस्था इसी तरह चलती रहे और हम लोग यहाँ पर और अच्छी पुलिसिंग करते हैं।